नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सैनिक न्यूज चैनल में। ओआरओपी पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम पर पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए आज की दो बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी बड़ी अपडेट को। तो पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटे का बटन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारी पहली बड़ी खबर ओआरओपी पेंशन को लेकर है। जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी वो अभी लिस्टेड हो गई है। पहले ये हियरिंग थी वो लिस्टेड नहीं थी, लेकिन ओआरओपी केस में अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है वो लिस्टेड हो गई है। और वन रैक वन पेंशन में जो भी एनोमलीज हैं उसकी सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर 2019 को कोर्ट नंबर 8 में इसकी सुनवाई होगी। तो दोस्तों, लंबे समय से हमारे पेंशन भोगी इंतज़ार कर रहे थे कि जो कोर्ट में हियरिंग है वो वन रैक वन पेंशन की जल्दी से जल्दी हो ताकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अंतिम फैसला लिया जाए। तो दोस्तों, वो घड़ी अब आ गई है, 4 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि ओआरओपी पेंशन में कुछ अच्छी अपडेट हमें देखने को मिले। दोस्तों, हमारी अगली बड़ी खबर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के लिए है। हक के लिए 13 दिसंबर को दिल्ली में जुटेंगे एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज के पूर्व सैनिक। जी हाँ दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेज पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन के कमाऊ अध्यक्ष एमएस नेगी ने मंडल भर के अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों और अधिकारियों से अपील की है कि 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली चले और एकजुटता जरूर दिखाएं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन मांगों को लेकर हमारे पेंशन भोगी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। जीएसटी में छूट मिले, एक्स सर्विसमैन का दर्जा, 2004 के बाद आए रिटायर कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू होनी चाहिए, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो और ओआरओपी पेंशन जैसे बड़े मुद्दे भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आप सभी से व्यक्तिगत निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य सभी पेंशन भोगियों तक भी इसकी जानकारी पहुँचे और वो इसमें अपना योगदान दे सकें। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।